गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आपका पाइप एंड सिस्टम्स का तीसरा क्लास है। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सारा कम्पिटेटिव क्वेश्चन होगा और ये आपका मिसलेनियस है, सारा क्वेश्चन मिसलेनियस है। देखिए क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन सेमटेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम बी इज क्लोज सो डैट टैंक गेट्स फिल्ड इन 20 मिनट्स। मतलब बी को बंद किया गया है और ए जो है कंप्लीट 20 मिनट तक के लिए ओपन रहा, तो पाइप ए जो है आपका कितने मिनट में टैंक को फुल करता है? 30 मिनट में। और पाइप बी जो है आपका वो 40 मिनट में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपेसिटी ऑफ टैंक 30 और 40 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। 120 लीटर जो टैंक का कैपेसिटी है। तो बताइएगा ए का इफिशियंसी क्या होगा? तो क्या होता है, 120/30 मतलब 4 लीटर पर मिनट। बी का इफिशियंसी क्या होगा? ए 120/40 3 लीटर पर मिनट। इफिशियंसी पता चल गया। अब जो है आफ्टर हाउ मच टाइम बी इज क्लोज्ड, बी को कितना समय के बाद बंद किया गया कि टैंक जो है 20 मिनट में क्या हुआ? फिल हो गया। इसका मतलब पाइप ए जो है कंप्लीट 20 मिनट तक चला है, पाइप ए 20 मिनट तक कंप्लीट चला। तो बताइएगा 20 मिनट में पाइप ए जो है कितना लीटर पानी भरेगा? तो 20 × इफिशेंसी कितना का है? 4 का, मतलब 80 लीटर पाइप ए जो है पानी भरा है। तो रिमेनिंग वाटर अब कितना हो गया? रिमेनिंग कितना, टोटल कितना था? 120। 80 पाइप ए भरा, मतलब 40 लीटर जो है वो पाइप बी के द्वारा भरा गया था। उसके बाद जो पाइप बी को क्लोज किया गया, तो टाइम कितना टाइम के बाद पाइप बी को क्लोज किया गया? तो 40/ इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3, मतलब 13/1/3 मिनट के बाद जो पाइप बी है उसको क्या किया गया? क्लोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टर्न इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर बट टेक्स 2 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन इट्स बॉटम। इफ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन। ठीक है, देखिएगा ऐसे ये जो इनलेट पाइप से जो भरने वाला है वो कंप्लीट 8 आवर में क्या कर रहा था? सिस्टर्न को फिल कर रहा था, टैंक को फिल कर रहा था, लेकिन लीक के कारण, इनलेट प्लस लीक, लीक के कारण सिस्टर्न जो है आपका 10 मिनट में क्या हुआ, 10 घंटा में क्या हुआ? भरा, है ना, 2 आवर्स लॉन्गर मतलब 10 घंटा ले लिया। अब निकालते हैं कैपेसिटी क्या होगा टैंक का, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। इनलेट्स का क्या हो जाएगा कैपेसिटी, सॉरी इनलेट्स का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 5 लीटर पर आवर। और इनलेट्स प्लस लीक दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 लीटर पर आवर। अब यहाँ से बताइए लीक का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 लीटर पर आवर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 − 4। देखिए इनलेट्स प्लस लीक दोनों मिलाकर कितना है? 4। तो इनलेट्स का कितना है? 5। तो लीक इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। मतलब लीक करने का भी जो एफिशिएंसी है कितना है? 1 लीटर पर आवर पानी क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। तो पूछ रहा है इफ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन, कितना समय के बाद लीक जो है उसको खाली कर देगा। टोटल कितना लीटर था? 40 लीटर का कैपेसिटी है, 1 लीटर प्रति घंटा लीक क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है। तो मतलब कितना में घंटा लगेगा इसे? 40 आवर्स। क्या कर देंगे? 40/1 = 40 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स व्हाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 5 मिनट्स एंड देन थर्ड पाइप इज सी इज ओपेंड, इन व्हाट टाइम विल द सिस्टर्न इज इम्पिटेड। देखिएगा पाइप ए जो आपका वो 12 मिनट्स में कंप्लीट फिल कर रहा है, पाइप बी जो है वो 15 मिनट्स में कंप्लीट फिल कर रहा है, लेकिन पाइप थर्ड जो है सी वो आपका 6 मिनट में कंप्लीट क्या कर रहा है? इम्पिटी कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बोथ द पाइप्स बी एंड आर ओपन फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के लिए पाइप ए और बी को ओपन किया गया। तो पहले निकालते हैं और
टैंक का कैपेसिटी कितना था? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 60 लीटर। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 लीटर पर मिनट। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 लीटर पर मिनट। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 10 लीटर पर मिनट आ जाएगा। 5 मिनट तक ए और बी दोनों को ओपन किया गया, तो बताइएगा ए और बी 5 मिनट तक कितना टैंक को भरेगा? तो 5 × a + b का एफिशिएंसी, 5 + 4 9 इक्वल टू 45 लीटर। मतलब 45 लीटर ए प्लस बी मिलकर दोनों भर चुका। उसके बाद जो है पाइप सी को भी ओपन कर दिया गया। अब बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर वो तीनों का एफिशिएंसी क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 + 4। इसका सी का क्या है? वो एम्प्टी करने वाला पाइप है, मतलब माइनस में लेंगे, -10 इक्वल टू -1 लीटर पर आवर पर मिनट। मतलब जब तीनों पाइप को हम ओपन करेंगे तब 1 लीटर पानी और क्या होगा? प्रति मिनट निकलेगा। 1 लीटर प्रति मिनट पानी और क्या होगा? निकलेगा। तो देखिएगा पहले से ए प्लस बी 5 मिनट 45 लीटर क्या किया था? भर चुका था। अब क्या कह रहा है? तीनों पाइप को ओपन किया, थर्ड पाइप सी इज ओपेंड इन भार टाइम सिस्टम इज इम्पिटेड, कितना समय बाद खाली हो जाएगा। जब तीनों पाइप को ओपन करेंगे तो 1 लीटर प्रति मिनट पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ए प्लस बी 45 लीटर भर चुका था, तो बताइएगा कितने मिनट के बाद क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो 45/1 इक्वल टू 45 मिनट्स। 45 मिनट के बाद जो टैंक है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिल अ सर्टेन टैंक ए बी एंड सी टेक 20 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ द थ्री पाइप्स आर ओपन्ड इन एवरी अल्टरनेट मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? देखिएगा पाइप ए जो आपका 20 मिनट में कंप्लीट टैंक को फिल कर रहा है, पाइप बी 15 मिनट में कंप्लीट टैंक को फिल कर रहा है, पाइप सी 12 मिनट में कंप्लीट टैंक को फिल कर रहा है। यहाँ से एलसीएम निकालते हैं जो कैपेसिटी बता देगा कितना जाएगा। 60, 60 लीटर का टैंक का कैपेसिटी है। तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 60/20, 3 लीटर पर मिनट। बी का एफिशिएंसी 4 लीटर पर मिनट। सी का एफिशिएंसी 5 लीटर पर मिनट, यही ना। अब क्या कर रहा है? तीनों पाइप के जो है वो अल्टरनेट मिनट पे ओपन कर रहा है। मतलब पहला मिनट पे आपका पाइप ए ओपन किया, दूसरा मिनट में पाइप बी ओपन हुआ, तीसरा मिनट में सी, फिर अगला चौथा मिनट में ए, उसके बाद 5वें मिनट में बी, 6ठे मिनट पे से, इस तरह से पाइप को क्या किया गया? ओपन किया गया अल्टरनेट, ठीक है। तब देखिए अब बताइएगा 3 मिनट में वो ए बी सी मिलकर कितना भर देगा टैंक को? तो 3 मिनट में ए बी सी मिलकर क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 आ जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 12 लीटर भर देगा। तो है टोटल टैंक कितना भरना? 60 लीटर इंटू 5 × 5, मतलब 15 मिनट में आपका 60 लीटर जो है टैंक क्या होगा? कंप्लीट फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पाइप्स अटैच टू अ सिस्टर्न, ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 और 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स। ए बी एंड सी आर केप्ट इन ऑपरेशन सक्सेसफुली फॉर 1 मिनट, मतलब पहले ए को स्टार्ट किया गया, फिर बी को, फिर सी को, एक एक मिनट के लिए। हाउ सून विल द सिस्टर्न इज फिल्ड, तो बताएगा कितना जल्दी सिस्टर्न जो वो फिल्ड हो जाएगा। देखिएगा ए जो आपका 20 मिनट में कंप्लीट फिल कर रहा है, बी आपका 30 मिनट में कंप्लीट फिल कर रहा है, सी आपका 15 मिनट में कंप्लीट फिल कर रहा है। अब यहाँ से निकालते हैं कैपेसिटी क्या होगा टैंक का। एलसीएम कितना जाएगा? 60 लीटर। इफिशियंसी क्या होगा ए का? 3 लीटर पर मिनट। बी का इफिशियंसी 2 लीटर पर मिनट। सी का इफिशियंसी 4 लीटर पर मिनट आ जाएगा। अब देखिए इफ ए बी एंड सी आर केप्ट इन ऑपरेशन सक्सेसफुली फॉर 1 मिनट ईच, मतलब पहले ए को स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए, फिर बी को स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए, फिर सी को स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए, फिर ए को स्टार्ट किया 1 मिनट के लिए, फिर बी को, फिर सी को, मतलब इस तरह से क्या किया गया? टैब को ओपन किया गया।
तो पूछ रहा है कितना जल्दी टैब जो है कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 3 का, इसका 2 का, इसका एफिशिएंसी -4 का, क्योंकि क्या है एम्प्टी करने वाला पाइप है तो निगेटिव में ले लिए। तो बताइएगा 3 मिनट में टोटल कितना लीटर भरेगा? 5 - 4 1 लीटर, 3 मिनट में 1 लीटर भरेगा। टोटल है कितना लीटर भरना हमें? 60 लीटर। अब यहाँ से सोचना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट 60 लीटर निकालने के लिए गुणे 60 कीजिएगा, यहाँ पे इंटू 60 कीजिएगा, तो अब क्या बोलेगा? 180 मिनट में आपका 60 लीटर पानी भरेगा। लेकिन नहीं, देखिएगा पूछ रहा है हाउ सून, कितना जल्दी। तो बताइएगा जब ए प्लस बी सी, ए तो कंप्लीट 60 पेयर बन गया ना, 60 का हो गया था, 1 2 3 इस तरह से 60 बना था। तो जब जब 60वां बार में आया था, 60 बार में जो 3 पेयर बना, उसमें आपका सी भी इंक्लूड हो गया ना। सी को हम इंक्लूड, सी को हम क्यों ऐड करेंगे? ये तो खाली करने वाला पाइप है, सिर्फ भरने वाला कौन है? ए और बी है ना। तो ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या 60 लीटर अगर भर गया तो हम सी को फिर हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा खाली करने के लिए, नहीं ना। तब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 × 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? × 55। अगर 55 से कीजिएगा × 55, तो 165 मिनट में, 165 मिनट में कितना लीटर टैंक भर गया? 55 लीटर भर गया। कंप्लीट 55 को पेयर बना, ऐसा 1 2 ए बी सी 3 पेयर, ऐसा ऐसा 55 पेयर बना। उसके बाद किसका पारी अब आएगा? ए का। ए जो 1 मिनट में कितना भरा है? 3 लीटर, प्लस 3 लीटर 1 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद किसका पारी आएगा? बी का। बी जो है 2 लीटर भर रहा है कंप्लीट 1 मिनट में, मतलब 167 मिनट में आपका कितना लीटर टैंक भर जाएगा? 60 लीटर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड अ आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 36 आवर वर्किंग इंडिविजुअली। मतलब इनलेट पाइप जो है वो आपका 5 घंटा में कंप्लीट क्या कर रहा है? टैंक को भर रहा है। लेकिन जो आउटलेट पाइप है वो 36 आवर में कंप्लीट टैंक को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं फिर टोटल कैपेसिटी क्या है टैंक का, एलसीएम कितना हो जाएगा? 180, 180 लीटर। इसका इफिशेंसी क्या हो जाएगा? 180/5 मीन्स 36 लीटर पर आवर। इसका इफिशेंसी 5 लीटर पर आवर, यही ना। अब देखिए हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट्स पाइप ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू बी ओपेंड सो डैट टैंक नेवर ओवरफ्लो। मतलब आउटलेट्स पाइप हम कितना लें कि जो टैंक जो है कभी भी ओवरफ्लो नहीं करे। ऐसे देखिए, ऐसे आप 1 आवर के लिए उसको यूज कीजिएगा तो टोटल कितना भर जाएगा? 36 - 5 मतलब 31 लीटर, 31 लीटर ही क्या होगा? भरेगा ही। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? पानी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है क्या आउटलेट पाइप हम कितना लें ताकि जो है वाटर ओवरफ्लो नहीं करे। मतलब सिंपल ये समझो, अगर इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों का इफिशियंसी अगर इक्वल हो जाए तो कभी क्या फ्लो करेगा? कभी नहीं करेगा फ्लो, क्योंकि जितना वाटर इनलेट्स करेगा उतना वाटर क्या होगा? आउटलेट्स भी करेगा, तो कभी भी ओवरफ्लो करेगा? कभी नहीं, सॉरी, कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। तब देखिए ये एक आउटलेट्स पाइप का इफिशियंसी कितना था? 5। अगर हम ऐसा सा 7 आउटलेट्स पाइप लें तो फिर भी कितना लीटर हो रहा है? 5 लीटर, 35 लीटर ही हो रहा है। लेकिन इनलेट्स कर रहा है कितना? 36 लीटर। लेकिन हमको लेना पड़ेगा कितना? अगर 8 ले तो कितना हो गया? 40 लीटर। मतलब 36 लीटर प्रति आवर पानी इनलेट करेगा और 40 लीटर प्रति आवर पानी आउटलेट करेगा, तो कभी भी टैंक जो ओवरफ्लो नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। अब देखिए कह रहा है क्या, हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट्स पाइप। एक पाइप तो पहले से ही था, और कितना पाइप चाहिए? टोटल पाइप तो 8 रहना चाहिए, एक पाइप पहले से ही है, और कितना पाइप चाहिए? 7 पाइप चाहिए। तो जो है पानी जो है क्या होगा? और कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, मतलब नंबर रिक्वायर्ड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पाइप्स आर फिटेड टू अ वाटर टैंक,
सम ऑफ देयर इनलेट्स पाइप एंड अदर आउटलेट्स पाइप, ठीक है। इच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर, इच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स आर एम्प्टी टैंक इन फिल्ड इन 9 आवर, फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट्स पाइप। देखिएगा क्या है, कुछ आपका इनलेट्स पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या दिया हुआ 9 आवर, सॉरी इनलेट पाइप का जो टाइम है 9 आवर, और जो आउटलेट पाइप का जो टाइम दिया हुआ आपका 6 आवर। अब बताइएगा टैंक का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 18 लीटर। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2 लीटर पर मिनट पर आवर। इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 लीटर पर आवर, यही ना। तो बोल रहा है क्या, खाली टैंक जो है वो 9 घंटा में क्या हो गया, कंप्लीट फिल हो गया। अब बताइएगा यहाँ से इनलेट पाइप का इफिशियंसी जब 2 लीटर प्रति आवर है और आउटलेट पाइप का इफिशियंसी 3 लीटर प्रति आवर है, तो क्या कभी टैंक फिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन कह रहा है क्या 9 घंटा के बाद टैंक कंप्लीट फिल हो गया, कब, 6 पाइप है, टोटल नंबर ऑफ पाइप्स कितना है 6, तो ऐसे में से इनलेट पाइप कितना होना चाहिए और आउटलेट पाइप कितना होना चाहिए कि हमें 9 घंटा में कंप्लीट को क्या करना है, फिल करना है। तो देखिएगा टाइम कितना लिया 9 आवर, टोटल कैपेसिटी कितना है 8 लीटर। तो बताइएगा इफिशियंसी, ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा 18/9, मतलब 2 लीटर प्रति आवर पानी जो है टैंक में जा रहा है, तब 9 घंटा के बाद कंप्लीट टैंक क्या हो गया, फिल हो गया। मतलब जो रिजल्टेंट इफिशियंसी है वो हमें 2 लीटर प्रति आवर आना चाहिए, यही ना। अब देखिएगा टोटल पाइप से कितना मेरे पास 6, इनलेट्स करने का एफिशिएंसी है +2 का, आउटलेट्स करने का एफिशिएंसी है -3 का, यही ना। तो हम इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 2 से कर दें तो 4 2 8 और 3 2 6, मतलब 8 लीटर प्रति आवर पानी ये भरेगा और 6 लीटर प्रति आवर पानी निकालेगा, तब रिजल्टेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2 लीटर प्रति आवर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितना होना चाहिए 4, कितना 4, आप इस तरह से बना सकते हैं, या तो फिर आप सेकेंड मेथड देख लीजिए। देखिएगा सिक्स पाइप फिटेड इन द वाटर टैंक, सम आर द इनलेट्स एंड अदर आर आउटलेट्स, टोटल पाइप कितना है 6 पाइप है। जो इनलेट करने का जो कैपेसिटी है वो 9 घंटा है और जो आउटलेट्स करने का जो कैपेसिटी है वो आपका 6 घंटा है। यहाँ से निकालते हैं टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 18 लीटर, 9 6 का एलसीएम 18। इनलेट्स करने का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2 2 लीटर पर आवर, आउटलेट करने का 3 लीटर पर आवर, एफिशिएंसी पता चल गया। अब बोल रहा है कि 9 घंटा के बाद टैंक जो कंप्लीट फिल हो गया, तो बताइएगा नंबर ऑफ इनलेट्स पाइप कितना था। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इनलेट्स पाइप एक्स था, इनलेट्स पाइप एक्स है, तो आउटलेट्स पाइप कितना हो जाएगा 6 - 6 हो जाएगा। तो एक्स पाइप और 2 लीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यही ना, और जो आउटलेट्स पाइप है 6 - 6 वो 3 घंटा प्रति लीटर से चल रहा है, सॉरी 3 लीटर प्रति घंटा से चल रहा है। अब दोनों समय कितना लिया टैंक को भरने में 9 घंटा, ये इनलेट पाइप था ये आउटलेट पाइप है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तब तो हमको रिजल्टेड मिलेगा कि कितना पानी प्रति घंटा क्या कर रहा है, भर रहा है टैंक में। कितना देर के लिए चला 9 आवर के लिए चला, टोटल कितना टैंक भरा 18 लीटर, यही ना। इफिशेंसी इंटू टाइम क्या बता देगा, टोटल भर, यही होता है। तो 9 से 2 टाइम्स क्या जाएगा 2x - 18 +3x = 2, 5x = 20, x = 4, इनलेट्स पाइप कितना था 4, तो आउटलेट पाइप्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक इज फिटेड विथ 8 पाइप्स, सम ऑफ देम डेट फिल द टैंक एंड अदर आर मीन टू बी एम्प्टी द टैंक। इच पाइप डेट फिल द टैंक फिल इट इन 8 आवर्स, वेल इच दिज एम्प्टी द टैंक कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स, मतलब जो फिल करने वाला है
वो 8 घंटा हमें कंप्लीट टाइम को फिल कर रहा है, और जो एम्प्टी करने वाला है वो 6 घंटा में कंप्लीट टाइम को एम्प्टी कर रहा है। तो निकाले तो कैपेसिटी कितना था टैंक का, एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इसका एफिशिएंसी 3 लीटर पर आवर, इसका एफिशिएंसी 4 लीटर पर आवर। ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, इट विल एग्जैक्टली 6 आवर फॉर द टैंक टू एम्प्टी। अच्छा, जब टैंक फुल था तो 6 घंटा के बाद सभी पाइप को जब ओपन किए तो टैंक क्या हो गया, खाली हो गया। हाउ मेनी पाइप्स आर फिलिंग द टैंक्स, तो फिल करने वाला नंबर ऑफ पाइप्स कितना था, टोटल पाइप से कितना 8, यही ना। तब देखिएगा टैंक खाली हो गया, मान लेते हैं कि फिल करने वाला पाइप अगर एक्स है तो एम्प्टी करने वाला कितना हो जाएगा, 8 - 6 हो जाएगा। एक्स नंबर ऑफ पाइप 3 लीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया एक्स पाइप का, 3x। और ऑटरेट करने वाला पाइप जो है एम्प्टी करने वाला, इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 8 - 6 × 4 हो जाएगा टोटल इफिशियंसी। अब क्या कर रहा है, टैंक को खाली किया, इसका मतलब आउटलेट करने वाला का कैपेसिटी जो है इफिशियंसी ज़्यादा है किससे, इनलेट करने वाला से, ठीक है। मतलब 8 - x × 4 माइनस, टैंक खाली हो रहा है ना, -3x, ठीक है। कितना देर के लिए, कितना देर में खाली हुआ, 6 घंटा में, 6 घंटा में खाली हुआ। कितना लीटर खाली कर दिया था, 24 लीटर, यही ना। नंबर ऑफ टाइम इंटू इफिशियंसी टोटल वर्क बताता है इक्वल टू कितना आ गया, 24, 6 से 4 टाइम्स, 32 - 4x - 3x = 4, -7x = -28, x = 4। फिल करने वाला पाइप कितना है, 4, और एम्प्टी करने वाला पाइप भी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो आप इसे इस तरह से बना सकते थे। देखिएगा यहाँ पे जो कह रहा है कि 6 घंटा में कंप्लीट टैंक क्या हो गया, खाली हो गया, तो रिजल्टेड इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24/4, 6 घंटा में खाली हुआ, रिजल्टेड इफिशियंसी 4 लीटर बराबर, यही ना। मतलब -4 लीटर प्रति घंटा से टैंक खाली हो रहा था तो 6 घंटा में क्या हो गया, खाली हो गया। टोटल पाइप है कितना, 8, तो 8 पाइप को हमको 3/4 में, ये अगर जो मान लेते हैं 4 पाइप था भरने वाला और खाली करने वाला भी 4 4 पाइप, तो रिजल्टेंट आ जाएगा -4 का, ये आउटलेट्स करने वाला इनलेट्स करने वाला, -4 का आ गया। मतलब नंबर ऑफ पाइप्स कितना होना चाहिए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स फिलिंग सेपरेटली 12 आवर एंड 60 मिनट्स, सॉरी 12 एंड 60 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम बट बींग क्लोग्ड, ओनली 7/8 ऑफ द फुल क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू फॉर्मर एंड ओनली 5/6 ऑफ द फुल वाटर थ्रू द लेटर टाइप लेटर पाइप। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउ एवर बींग सडनली रिमूव, द सर्टेन इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम डैट मोमेंट, हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन बिगेन। देखिएगा कह रहा है क्या कि दो पाइप है, एक पाइप जो आपका 12 मिनट में कंप्लीट फिल करता है, पाइप ए मान लीजिए और यह पाइप बी मान लीजिए, और पाइप बी जो आपका 16 मिनट में कंप्लीट टैंक को फिल करता है। यहाँ से निकालते हैं दोनों के एलसीएम क्या होगा, जो कैपेसिटी बताएगा टैंक का कितना आ जाएगा, एलसीएम 48 लीटर टैंक का कैपेसिटी। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 लीटर पर मिनट, बी का एफिशिएंसी 3 लीटर पर मिनट आ जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है क्या कि शुरू में पाइप जो है हल्का वो जाम था, ठीक है, पाइप जाम था हल्का, यही कारण जो है पूरा क्वांटिटी में वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, सिर्फ कितना कर रहा था, 7/8, पहला पाइप 7/8 कर रहा था, और दूसरा पाइप भी जाम होने के कारण कितना फ्लो कर रहा था, 5/6, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर का। उसके कुछ देर के बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है जो क्लोग्ड हुआ था वो हट गया, और जिस समय वो ऑब्स्ट्रक्शन हटा उसके 3 मिनट के बाद जो है कंप्लीट टैंक क्या हो गया, फिल हो गया। मतलब 3 मिनट के लिए
पाइप ए और बी का दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन हट गया था, तो 3 मिनट में पाइप ए और बी कितना टैंक भर देगा? 4 + 3 मतलब 7 × 3 = 21, 21 लीटर 3 मिनट के लिए भर दिया था, ठीक है। तो रिमेनिंग था कितना, पहले से था कितना भरा हुआ, 27 लीटर, यही ना। अब ये 27 लीटर जो भरा है किस कंडीशन में भरा है, जब वो पाइप क्या था, क्लोग्ड था, तो 7/8 था पहला का और दूसरा का 5/6 था, मतलब टोटल इफिशेंसी जो है पहला पाइप का 4 था, लेकिन क्लोग्ड होने के कारण वो 7/8 ही यूज हो रहा था उसका। सेकेंड पाइप का टोटल इफिशियंसी 3 था, लेकिन क्लोग्ड होने के कारण इसका सिर्फ 5/6 ही यूज हो रहा था। तो पूछ रहा था क्या, हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन, मतलब जिस समय से वो फुल फ्लो होना शुरू हुआ उसके कितना देर पहले तक वो पाइप जो है क्लोग्ड था, ठीक है। तो देखिए 27 लीटर जो पानी भरा वो इसी इफिशियंसी के साथ भरा है, इसी इफिशियंसी के साथ भरा है, ठीक है। तो निकालते हैं टाइम कितना लगेगा, यही ना पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितना भरा, 27 / इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 से 2 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, मतलब 7/2 और +5/2 मतलब आ जाएगा 12/2 मतलब 6, मतलब 26/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 मिनट्स, मतलब 4.5 मिनट तक पाइप जो है वो कैसा चला, क्लोग्ड चला, मतलब पाइप जो है जाम था 4.5 मिनट तक। उसके बाद पाइप जो क्या हो गया, साफ हो गया पूरा, तो 100% जो है वाटर फ्लो करना शुरू कर गया। तब उसके बाद 3 मिनट के बाद टैंक जो है कंप्लीट फिल हो गया था, यही था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स, एंड इनलेट पाइप फिल्स इन 6 लीटर अ मिनट वाइल द टैंक इज फुल, द इनलेट इज ओपन एंड ड्यू टू द लीक टैंक इज एम्प्टी इन 12 आवर। तो पूछ रहा है क्या, सिस्टम कितना वाटर को होल्ड करता है। देखिएगा, मान लीजिए इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप जो है कुछ ऐसा दिया, इनलेट पाइप का समय नहीं, देखिएगा आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप जो आपका वो 8 घंटा में कंप्लीट टैंक को खाली कर रहा है, और जिस समय से आउटलेट पाइप और प्लस इनलेट पाइप मिल गया, मतलब आउटलेट पाइप मतलब समझ जाएगा लीक करने वाला जो पाइप है, इनलेट पाइप मिल गया, उस समय से कितना लिया, 12 घंटा लिया, फिर भी टैंक क्या हो रहा, खाली हो रहा था। निकालते हैं दोनों के एलसीएम, जो हमें इफिशियंस कैपेसिटी पता चल जाएगा टैंक का कितना हो जाएगा, 24 लीटर। आउटलेट करने का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3 लीटर पर आवर। इनलेट प्लस आउटलेट दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 लीटर पर आवर। तब तो देखिएगा टैंक फिर भी क्या हो रहा था, खाली हो रहा था, इसका मतलब आउटलेट करने वाला की एफिशिएंसी जो है -3 लीटर पर आवर है, और इनलेट प्लस आउटलेट भी किए उस कंडीशन में भी टैंक खाली जो हो रहा था -2 लीटर पर आवर का एफिशिएंसी है, ठीक है। तो कहने का मतलब इनलेट करने वाला पाइप जो है सिर्फ +1 लीटर पर घंटा क्या कर रहा था, भर रहा था टंकी, तभी ना -3 + 1 आ जाएगा कितना, -2, ठीक है। तो देखिएगा 1 आवर में ये कितना टैंक भर रहा था, 1 लीटर ही, यही। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इनलेट पाइप फिल वाटर एट द रेट 6 लीटर अ मिनट, 1 मिनट में कितना भर रहा था ऐसे रियल में, 6 लीटर। तो बताइएगा 1 घंटा में कितना भरेगा, × 60 मतलब 360 लीटर, यही ना। तो 1 घंटा में ऐसे हम बोल रहे थे कितना, 1 लीटर, ये 1 लीटर कितना शो करा आपका, 360 लीटर, 1 लीटर कितना शो करा है, 360 लीटर। तो पूछ रहा है क्या, 24 लीटर टोटल क्रिस्टन का वॉल्यूम कितना है सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा, 24 × 360 जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें है क्या, आउटलेट करने वाला जो है वो कितना था, देखिएगा फिर समझिए,
आउटलेट इनलेट करने वाला, आउटलेट करने वाला का एफिशिएंसी कितना है? 8, 8 घंटा लेता है, ठीक है। आउटलेट करने वाला मान ली 8, और जो आउटलेट्स प्लस इनलेट है वो कितना ले रहा है? 12 घंटा है, फिर भी टैंक क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो क्या बताएगा? टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 24 लीटर। इसका एफिशिएंसी 3 लीटर बराबर, इसका एफिशिएंसी 2 लीटर बराबर। आउटलेट करने वाला है तो माइनस में ही होगा, आउटलेट पर इनलेट चालू किए हैं फिर भी टैंक खाली हुआ, मतलब इसका भी निगेटिव ही ओवरऑल आया, ठीक है। तो आउटलेट प्लस इनलेट किए हैं तो -2 आया, आउटलेट का वैल्यू क्या था? -3, इनलेट का कितना हो जाएगा? तो +1 आएगा, तभी तो आएगा रियल में कितना? -2। मतलब जो इनलेट करने वाला है वो 1 लीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है? टैंक को भर रहा था, यही ना। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या, इनलेट करने वाला जो पाइप है वो 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में कितना लीटर? 6 लीटर। तो बताइएगा 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? 360 लीटर भरेगा, 360 लीटर, यही ना। तो यहाँ पे जो हम निकाले वो 1 लीटर, 1 घंटा में 1 लीटर ही भरा था, ठीक है, लेकिन रियल में 1 घंटा में वो कितना लीटर भरा था? 1 लीटर कितना शो कर रहा है आपका? 360। 1 लीटर कितना शो कर रहा है? 360। तो टोटल कैपेसिटी था कितना लीटर का? 24 लीटर का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 × 360, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 24 लीटर कितना शो करेगा? 24 × 360। 1 लीटर कितना शो करता है? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बूस्टर पंप कैन बी यूज फॉर फिलिंग एज वेल एज फॉर इंक्रीज द टैंक, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 2400 m³, द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 10 m³/min हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी, एंड द पंप नीड्स 8 m लेसर टू द इंक्रीज द टैंक देन इट्स नीड टू फिल इट, व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप? देखिएगा जो टाइम का जो है, देखिए टाइम फिलिंग करने का और एम्प्टी करने का क्या कर रहा था? द पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक, टैंक खाली करने में 8 मिनट कम लेता है किससे? भरने वाला से। मतलब 1 मिनट में और जो कंप्लीट फिल कर रहा है तो एम्प्टी कर रहा है कितना? 1 मिनट, 1 - 8 मिनट में एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से टोटल निकल जाएगा टैंक का कितना कैपेसिटी था, कितना हो जाएगा? 1 - 8 × x, यही ना कैपेसिटी। फिल करने वाला की एफिशिएंसी पता चल जाएगा कितना हो जाएगा? 1 - 8 l/min, और ये कितना हो जाएगा? 1 l/min, 1 - 8 l/min, यही ना। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है क्या, द इम्पिटिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 m³/min हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी, मतलब जो खाली करने का जो कैपेसिटी है वो 10 m³ क्या है? ज़्यादा है किससे? भरने वाला से। तो दोनों के कैपेसिटी का जो एफिशिएंसी का जो है वो डिफरेंस कितना का जाएगा? तो कह रहा है क्या, एक्स जो है देखिए, एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 m हायर, एम्प्टिंग करने वाला ज़्यादा है 10 m³, तो x - 8 ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 10 m³, यही ना। मतलब 8 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 m³, तो 1 आपको रिप्रेजेंट करेगा 5/4 m³, ठीक है। तो x - 8 कितना रिप्रेजेंट करेगा? 5/4 × x - 8। ये कितना रिप्रेजेंट करेगा? 5/4 × x, यही रिप्रेजेंट करेगा ना। तो ये कितना आपको रिप्रेजेंट करेगा? ये टोटल क्या हो जाएगा? 1 रिप्रेजेंट करो तो 5/4, तो टोटल कैपेसिटी कितना रिप्रेजेंट करेगा? 5/4 × x - 8 × x, इतना ही का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 2400। 5 से काटिए, 5 × 4 = 580, आ गया x²-8x = 480 × 4, यही ना।
यहाँ से लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू, लिख सकते हैं 48 × 40, मतलब लिख सकते हैं इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 40 एक्स माइनस 48 × 40 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 48, और एक एक्स का वैल्यू होगा माइनस 40, निगेटिव नहीं लेंगे, एक्स का वैल्यू आ गया 48। तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, फिलिंग का कितना था, तो फिलिंग का कैपेसिटी कितना था, यही मतलब जो इफिशियंसी था, वैल्यू पुट कीजिए 5/4, 48 - 8 40, 10 मतलब आ जाएगा 50 m³/min। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इच 5 and 6 hours रिस्पेक्टिवली, पाइप सी एम्प्टी इन 12 hours, द टैंक इज हाफ फुल, ऑल द थ्री पाइप्स आर ऑपरेशन सिमटेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। देखिएगा, पाइप ए जो है 5 घंटा कंप्लीट फिल कर रहा है पाइप ए, और पाइप बी जो है 6 घंटे में कंप्लीट फिल कर रहा है, पाइप सी जो है 12 घंटे में कंप्लीट खाली कर रहा है। एलसीएम निकालते हैं, कैपेसिटी पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम 60। ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 12 L/h, बी का एफिशिएंसी 10 L/h, सी का एफिशिएंसी 5 L/h, खाली करने वाला तो निगेटिव होगा। द टैंक इज हाफ फुल, टैंक आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ इसका मतलब 30 L ही और क्या करना है, भरना है इसको बस। तो आफ्टर हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल, कितना समय के बाद टैंक फुल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल अपॉन टोटल इफिशियंसी, मतलब टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल इफिशियंसी, क्या हो जाएगा 12 + 10 = 22, 22 में से 5 गया तो 17, मतलब आ जाएगा 1/13/70, मतलब इतना मिनट्स में टैंक जो है कंप्लीट क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, यह आपका पाइप एंड सिस्टम का मिसलेनियस सारा क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन होगा तो उसे भी हम करवा देंगे। आप लोग मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, जितना हो सके उतना हम सारा मेहनत करेंगे, और अभी तक मेरा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आप लोग को कुछ डाउट भी हो तो डायरेक्ट हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।